पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी समीकरण बदलने लगे हैं। कृषि कानूनों के मुद्दे पर बीजेपी का साथ छोड़ने वाला अकाली दल अब बीएसपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि अकाली दल और बीएसपी का ये साथ पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह के मजबूत हाथ को कितनी चुनौती दे पाएगा। चुनाव से ठीक पहले ये पंजाब में बदल रही सियासत की तस्वीर है, जहां नए समीकरण को साधकर सत्ता में वापसी की तैयारी शुरू हो गई है। कांग्रेस सरकार को हराने की कवायद में अकाली दल और बीएसपी एक दूसरे के साथ आ गए। पंजाब में अकाली दल और बीएसपी के बीच सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला तय हुआ है, उसके मुताबिक अकाली दल 97 जबकि बीएसपी 20 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। गुरुओं की धरती पर इस नए गठजोड़ के केंद्र में है दलित वोटर, जिसे लुभाने के लिए हर एक पार्टी अभी से जुटी है। पंजाब में विधानसभा चुनावों की बिसात बिछनी शुरू हो गई है और सभी राजनीतिक दलों ने पंजाब के सबसे बड़े वोट बैंक दलितों को लुभाने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। अकाली दल ने बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन किया है, तो भारतीय जनता पार्टी ने दलित मुख्यमंत्री बनाने की मांग की है। उसके अलावा तमाम राजनीतिक दलों में कहीं ना कहीं दलितों को लुभाने के लिए, दलित वोट बैंक को कैश करने के लिए जिस तरीके से होड़ मची हुई है, लग ऐसा रहा है कि अब की बार पंजाब विधानसभा का चुनाव धर्म की बजाय कहीं ना कहीं जाति के आधार पर लड़ा जाएगा। दरअसल पंजाब में दलित 32%, लेकिन इतनी बड़ी आबादी के बावजूद आज तक सूबे में कोई दलित सीएम नहीं बना। हालांकि प्रदेश में दलित वोटों की ताकत से हर पार्टी वाकिफ, यही वजह है कि सुखबीर बादल ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए संत रविदास के मंदिर का जिक्र किया। जिदों दी कैप्टन सरकार आई है, राम तीर्थ तरफ भी ध्यान खत्म हो गया, बुरा हाल हो गया। करालगढ़ साहब गुरु रविदास जी महाराज का जो पवित्र स्थान सी, उस स्थान नू डेवलपमेंट उथे रोक दिती, एक इट नहीं लगी। प्रदेश में सत्ताधारी कांग्रेस इन दिनों अंदरूनी कलह से जूझ रही है। कैप्टन के खिलाफ बगावत भले ही थमी हुई हो, लेकिन पार्टी में अभी सब कुछ सामान्य नहीं। इस मौके का फायदा उठाकर बीएसपी एक बार फिर पंजाब में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है और इस समझौते को ऐतिहासिक बता रही है। ये गठबंधन पंजाब प्रदेश में वर्तमान में चल रहे करप्शन और घोटालों से लिप्त कांग्रेस की सरकार, जो खास तौर पर किसान विरोधी एवं दलित विरोधी है, को हटाकर अपनी गठबंधन की सरकार श्री सुखबीर सिंह बादल जी के नेतृत्व में बनाकर इस प्रदेश के सभी किसानों, दलितों, सर्व समाज के गरीबों, मजलूमों, मजदूरों आदि की समस्याओं को, पंजाब के समस्त पंजाबियों को उनका हक और सम्मान दिलाने का काम करेगी। अकाली दल से समझौते के ऐलान के ठीक बाद बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने ट्वीट कर कार्यकर्ताओं से अभी से चुनाव की तैयारियों में जुटने की अपील की। पंजाब की समस्त जनता से पुरजोर अपील है कि वो अकाली दल और बीएसपी के बीच आज हुए इस ऐतिहासिक गठबंधन को अपना पूर्ण समर्थन देते हुए यहाँ सन 2022 के प्रारंभ में होने वाले विधानसभा आम चुनाव में इस गठबंधन की सरकार बनवाने में पूरे जी जान से अभी से ही जुट जाएं। पंजाब में अकाली दल और बीएसपी पहले भी साथ आ चुके हैं। 1996 में दोनों पार्टियों ने एक साथ लोकसभा चुनाव लड़ा, तब अकाली दल को 10 में से 8 सीटों पर जीत मिली थी, वहीं बीएसपी 3 सीटें जीतने में कामयाब हुई थी। पंजाब के दोआब इलाके में बीएसपी की मजबूत पकड़ मानी जाती है। होशियारपुर, कपूरथला, जालंधर और नवा शहर इसी इलाके में आते हैं। बीएसपी की इसी ताकत का फायदा अकाली कैप्टन को सत्ता से बाहर करने में उठाना चाहते हैं। हालांकि कैप्टन के मुकाबले इस गठजोड़ में कांग्रेस को कोई दम नजर नहीं आता। भैया, ये लालच और स्वार्थ के नाते ये गठबंधन है, और ये गठबंधन कोई दलितों की भलाई के लिए थोड़ी है। ये तो कुर्सी के लिए गठबंधन है कि किस तरह से खोई हुई जमीन बचाई जाए। और मैं कह रहा हूँ, नलायक बंदे हैं, नखेद बंदे हैं, रिजेक्ट बंदे हैं, जिनका कोई भी यहाँ पे मोल नहीं है।